हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएमबी स्टडी टिप्स चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सिंपलीफिकेशन के सवाल हल करना सीखेंगे। तो हमारा सवाल है, यदि एक्स प्लस एक बट्टे एक्स बराबर चार हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बट्टे एक्स स्क्वायर, तो इसका हमें मान निकालना है। तो दोस्तों, ऐसे सवाल ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहले इस सवाल को हम लॉन्ग मेथड से करेंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक से। तो सवाल दिया है हमारा एक्स प्लस एक बट्टे एक्स और बराबर चार, और क्या पूछ रहा है इसमें एक्स स्क्वेयर और एक बट्टे एक्स स्क्वेयर, इसका हमें मान निकालना है। तो इसमें हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, एक्स प्लस एक बट्टे एक्स इसका वर्ग कर देंगे, बराबर चार का भी वर्ग कर देंगे। तो ये किस रूप में, ए प्लस बी स्क्वेयर, तो इसका सूत्र होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी। तो इसको खोल लेंगे इस रूप में, ए का मान है, बी का मान है, तो एक्स पे क्या लगेगा बराबर प्लस की प्लस एक बट्टे एक्स, इस पर बराबर लग जाएगा प्लस की प्लस दो, ए का मान क्या है एक्स और बी का मान क्या है एक बट्टे एक्स, बराबर चार का वर्ग कितना होता है सोलह। एक्स से एक्स कट जाएगी तो अब क्या बचा, यहाँ एक्स स्क्वेयर प्लस एक बट्टे एक्स स्क्वेयर बराबर प्लस दो और बराबर सोलह। एक्स स्क्वेयर एक बट्टे एक्स स्क्वेयर बराबर सोलह, दो को इस तरफ लेंगे तो माइनस के जाएंगे, तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक बट्टे एक्स स्क्वायर, सोलह में से दो गया तो कितना बचेगा चौदह, तो ये हमारा क्या है आंसर है। तो दोस्तों, अब इस सवाल को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे। तो हमारी शॉर्ट ट्रिक है एन स्क्वायर प्लस माइनस दो। तो प्लस माइनस कैसे लगाएंगे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ये हमारे गणित के नियम हैं। लेकिन इस शॉर्ट ट्रिक में थोड़े देर के लिए हम इनको उल्टे नियम मान लेंगे। जैसे प्लस प्लस क्या होता है प्लस, लेकिन इसको क्या मान लेंगे माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो लेकिन इसको क्या मान लेंगे माइनस, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो इसको मान लेंगे प्लस, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो इसको मान लेंगे प्लस। जहाँ एन का मान क्या होता है, ये संख्या क्या होती है एन का मान होता है, तो एन की जगह पे क्या रख देंगे चार, बरग की बरग, देखो यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन इस शॉर्ट ट्रिक में इसको क्या मान लेंगे माइनस, तो माइनस, और दो की दो, तो चार का वर्ग कितना होता है सोलह माइनस दो, इसमें से घटा दें सोलह में से दो है तो कितना बचेगा चौदह। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सवाल है, यदि एक्स माइनस एक बट्टे एक्स बराबर तीन हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बट्टे एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। तो हमारी शॉर्ट ट्रिक थी एन स्क्वायर प्लस माइनस दो, तो यहाँ क्या है माइनस, यहाँ क्या है प्लस, तो एन का मान क्या है, ये संख्या एन का मान रहता है, तो एन की जगह इसका मान रख देंगे, तो तीन इस पर इसके बराबर लगी तो बराबर लगा देंगे, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, लेकिन ये हमारा नियम विपरीत हो जाता है, तो क्या लिखेंगे प्लस, दो की दो, तो तीन का बराबर कितना होता है नौ प्लस दो बराबर नौ, दो कितने आएंगे ग्यारह, हमारा क्या है आंसर है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।